हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ गणपति बप्पा को सबसे ज़्यादा कौन से पुष्प प्रिय हैं इस पे बात करेंगे। तो बोलिए गणपति बप्पा मौर्या, सभी को गणपति उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सबसे ज़्यादा गणपति बप्पा को कौन से पुष्प प्रिय है उस पे बात करेंगे और उन पुष्पों को चढ़ाने से हमारी कौन सी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होती है इस पे भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो हमारा सबसे पहला फूल है गुड़हल का लाल रंग का फूल। ये फूल गणपति बप्पा को सबसे ज़्यादा प्रिय है और इस फूल को चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्त होती है। लाल रंग के गुड़हल के पुष्प को चढ़ा करके हम भगवान गणपति से अपनी सुख समृद्धि की कामना कर सकते हैं। लाल रंग का गुड़हल का फूल भगवान गणपति बप्पा को सबसे ज़्यादा प्रिय है। और जो दूसरा फूल भगवान गणपति को सबसे अधिक प्रिय है वो है कदंब का फूल। कदंब का फूल लड्डू जैसा होता है, पीले रंग का, बड़े आकार का। इस पुष्प को जो व्यक्ति धन संपत्ति की कामना से भगवान गणपति को पुष्प अर्पित करते हैं, वो अगर भगवान गणपति को कदंब का फूल चढ़ाते हैं तो उनके घर में धन संपत्ति की उनको प्राप्ति होती है। इसका पेड़ लगाने से भी आपके घर में धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। हमारा जो अगला फूल है वो है अनार का फूल। विघ्नहर्ता गणपति बप्पा को अनार का फूल चढ़ा करके जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए भगवान गणपति को ये लाल रंग का अनार का फूल चढ़ा सकते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई में तरक्की होगी, उच्च स्थान प्राप्त हो। हमारा जो अगला फूल है वो है आग का फूल, या अकौवा भी इसको कहते हैं। ये भगवान शंकर को भी बहुत प्रिय है और हमारे गणपति बप्पा को भी प्रिय है ये फूल। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो इस पुष्प को चढ़ा करके आप अपनी उस बीमारी को दूर करने के लिए भगवान गणपति को प्रार्थना कर सकते हैं। तो अकौवा का नीले रंग का पुष्प आप भगवान गणपति को अर्पित कीजिए। हमारा अगला पुष्प चमेली का है और ये सफ़ेद रंग का चमेली का पुष्प भगवान गणपति को अति प्रिय है। और इस चमेली के पुष्प को अगर पति पत्नी जोड़े से मिलकर भगवान को अर्पित करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में अगर किसी प्रकार का तनाव चल रहा है तो भगवान गणपति की कृपा से वो दूर हो जाता है। तो अर्पित कीजिए भगवान गणपति को चमेली का पुष्प। हमारा जो अगला फूल है हर श्रृंगार या पारिजात का है। हर श्रृंगार या पारिजात का पुष्प भी भगवान गणपति को अति प्रिय है। अगर आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो इस पुष्प को आप अपने बच्चों के हाथों से भगवान गणपति पर चढ़वाइए और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाइए। हमारा जो अगला पुष्प है वो है कनेर का। कनेर का फूल पीला, गुलाबी, सफ़ेद और लाल, तीन चार कलर में आता है। आप भगवान गणपति को इनमें से कोई भी कलर अर्पित कीजिए। अगर आप किसी शत्रुता से परेशान हैं तो उसकी विजय के लिए आप इस पुष्प को भगवान गणपति को चढ़ा सकते हैं। अगला पुष्प भगवान गणपति को अति प्रिय है और ये है लाल कुमुदनी का पुष्प। अगर आप अपने जीवन में विलासितापूर्ण जीवन चाहते हैं, स्थायी रूप से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, तो आप इस लाल कुमुदनी के फूल की माला भगवान गणपति को चढ़ाइए। भगवान गणपति आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। हमारा जो अगला पुष्प है वो है शंख पुष्पी या अपराजिता का फूल। अपराजिता का फूल दो कलर में आता है, नीला और सफ़ेद। दोनों ही कलर भगवान गणपति को अति प्रिय हैं और इस फूल को आप चढ़ा सकते हैं भगवान गणपति को। अपना शीघ्र विवाह अगर चाहते हैं तो शीघ्र विवाह के लिए भगवान गणपति को अर्पित कीजिए अपराजित। हमारा जो अगला फूल है वो है चंपा का। ये फूल भी दो कलर में आता है, पीला और सफ़ेद। भगवान गणेश को पीला और सफ़ेद दोनों ही फूल चढ़ाया जा सकता है। जो व्यक्ति अपनी मनचाहा विवाह करना चाहते हैं तो भगवान गणपति को ये फूल चढ़ा करके वो भगवान से अपने मनचाहे जीवन साथी के लिए इस पुष्प को चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये चारे ही फूल भगवान गणेश को बहुत प्रिय हैं। और हमारा जो ये अगला फूल है ये है गेंदा या मारीगोल्ड। गेंदा का फूल भी बहुत से कलर में आता है, पीले, नारंगी
कोई भी रंग का गेंदा का फूल का माला बना करके अगर आप भगवान गणेश को चढ़ाते हैं, तो आपकी किसी पुरानी बीमारी से परेशान हैं आप, तो उस बीमारी को दूर करने के लिए भगवान गणेश को इसकी माला बना करके चढ़ाइए। ये सभी फूल विघ्नहर्ता गणपति भगवान को बहुत पसंद हैं। आप अपनी मनचाही इच्छा के लिए इन पुष्पों को चढ़ा करके भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप सच्चे दिल से भगवान से कुछ भी मांगेंगे तो भगवान आपको ज़रूर देंगे। हमने जो कुछ भी सुना था पंडित जी से, वही आप सबके साथ शेयर किया है। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तो प्रेम से बोलिए, गणपति बाप्पा मोरिया। गणपति भगवान की जय।